हेलो स्टूडेंट्स इन आवर चैप्टर इलेक्ट्रोसिटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वी विल गो हेड विद न्यू टॉपिक डाईलैक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन स्टूडेंट्स इसके पहले वाला जो टॉपिक था हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टिटिक्स ऑफ कंडक्टर्स इसमें हम डाई के बारे में स्टडी करेंगे मैं डाई के बारे में शुरू करूँ उससे पहले दो एक छोटी छोटी बातें एक बार फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ यू नो दैट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो नेगेटिव चार्ज विल ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज विल ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो ये बात आपको याद रखनी है दूसरा आपको जो समझना है वो है डायपोल्स के बारे में अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं एक चार्ज है प्लस की दूसरा चार्ज है माइनस क्यू और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो टू तो हमको क्या मिलता है डाइपोल और डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट जो होता है दैट इज डिनोटेड एस पी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका फॉर्मूला होता है क्यू मल्टीप्लाइड बाई टू ए वैक्टर है इसलिए मैं उसको एक यूनिट वैक्टर से इंडिकेट करूंगा और ये यूनिट वैक्टर का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में ट्रैवल करता है दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो है डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट मीन्स अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट सम फाइनाइट डिस्टेंस द फाइनाइट डिस्टेंस वी डिनोट बाई टू ए द टू चार्जेस आर क्यू एंड माइनस क्यू दोनों ऑपोजिट होने चाहिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए डाइपोल मोमेंट इट इज अ वक्टर क्वांटिटी उसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्यू मल्टीप्लाइड बाई टू ए यूजअली उसको पी से डिनोट करते हैं स्मॉल पी कैपिटल पी नहीं ये दो बातें तीसरी बात भी जो आपको याद रखनी है ये सब हम आगे पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेसन में इस लेसन में भी बार बार पढ़ाए लेकिन आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें फिर से उसका एप्लीकेशन आएगा यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दैट थर्ड थिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इफ यू हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो यूजअली फील्ड लाइन्स जो है वो इक्वली स्पेस्ड होती है पैरल होती है तो वी कॉल इट एज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ प्लेस अ डाइपोल अगर हम एक डायपोल को रखते हैं यहां पर ऐसे मान लो ये डाइपोल मैंने ऐसे रख दिया दिस इज अगेटिव चार्ज माइनस क्यू दिस प्लस क्यू एंड दिस इज देंटर ऑफ द डाइपोल तो इस डाइपोल पर फोर्स एक्ट नहीं करता है नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो लेकिन टॉर्क एक्ट करता है एंड टॉर्क का मैग्नेट्यूड इज गिवन बाई बी ई साइन थीटा where theta is the angle made by the dipole with the electric field lines. Now, what happens if I place a dipole in a uniform electric field? First thing, once again may, I repeat my question. What happens when I place a dipole in an electric field? First thing, there is no net force acting on the dipole. Second, there is a torque acting, acting on the dipole given by pe sin theta. Because of this torque द डाइपोल विल रोटेट जिस तरह से यहाँ पर मैंने रखा है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज द डाईपोल विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन एंड इट विल ट्राई टू अलाइन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड सो ये तीसरी बात आपको याद रखनी है किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अब क्योंकि बात निकली है तो मैं सिर्फ बता दूँ हमारे यहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट पढ़ना है इस समय ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के लेवल पर उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है लेकिन फिर भी हमने जो पढ़ा है याद करवा दू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स एक्ट नहीं करता है लेकिन टॉर्क एक्ट करता है लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नॉन यूनिफॉर्म तो उस पर फोर्स भी एक्ट करता है टॉर्क भी एक्ट करता है ठीक है ये सारी बातें आपको याद रखनी थी अब हम हमारे टॉपिक्स पर आगे बढ़ते हैं देखो बच्चों मटेरियल्स दो टाइप के होते हैं कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हम कंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में आगे पढ़ चुके हैं इसके दो वीडियो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में तो इस वीडियो में हमको नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में स्टडी करना है आपको पता है कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स आर आल्सो कॉल्ड एज इंसुलेटर्स और इसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हम डाई भी बोल सकते हैं सो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स आर आल्सो कॉल्ड एज डाई व्हाई डू वी कॉल देम एज डाई

So, दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं पोलर एंड नॉन पोलर वॉट आर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वॉट आर नॉन पोलर डाइल डाइलेक्ट्रिक्स इनका सबसे मेजर डिफरेंस क्या है जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं इसमें टेम्पररी डाइपोल मोमेंट्स होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव टेम्पररी डाइपोल मोमेंट्स वेर एज पोलार मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाईपोल मोमेंट्स दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिंग एंड आई मीन दिस इज द मेजर डिफरेंस बिट्वीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सो मेटेरियर टू टाइप्स कंडक्टिंग मटेरियल्स नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स आर ऑल्सो कोल्ड एज इंसुलेटर्स और डाईलैक्ट्रिक्स

कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स का एक मेजर डिफरेंस जो होता है वो आपको समझना है। देखो बच्चों, अगर मैंने कोई कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वी कॉल दिस एस एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय ई नॉट कंडक्टिंग मटेरियल की स्पेशलिटी क्या होती है दे हैव लॉट ऑफ फ्री चार्जेस Conducting materials have lot of free charges. Jabki non-conducting materials may no free charges. These charges are called as bound charges. In non-conducting materials, the charges are called as bound charges. In conducting materials, we have free charges. Now, when we place a conducting material in an external electric field, e naught. All the free charges, positive and negative, there are two types of charges. Which are the free charges? Negative charges are the free charges, and positive charges are fixed in their place in the form of ions. May repeat in conducting materials, negative charges are the free charges, positive charges are fixed in their places in the form of ions. Now, free charges hai, they are free to move around. साइड द कंडक्टर बट दीव द कंडक्टर अबेटिव चार्जेस बचो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो क्या होगा सारे नेगेटिव चार्जेस यहां पर लेफ्ट साइड में जमा हो जाएंगे ऑल द नेगेटिव चार्जेस विल्यूमुलेट एन द लेफ्ट कंडक्टर सो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड ऑफ द कंडक्टर विल डेवलप द पॉजिटिव चार्ज अब इसके वजह से क्या होता है हमारा ये जो कंडक्टर है वो पोलराइज हो गया व मीनिंग ऑफ पोलराइज यानी उसके दो एंड चार्जेस डेवलप हो गए ऑपोजिट चार्जेस एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अब एक एंड पर नेगेटिव चार्जेस है दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्जेस है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवेलप होगा ये अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड विच इज डेवलप्ड इन साइड दिस कॉल्ड एस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय ई इन ये आई एन स्टैंड फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सो दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड

इसके पहले हमने जो थियोरिटिकल टॉपिक स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टेटिक्स ऑफ कंडक्टर्स उसमें हम ये पढ़ चुके थे अब डाईलैक्ट्रिक्स में क्या होता है समथिंग सिमिलर डायलेक्ट्रिक्स में भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि अगर मैंने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाय सब्सटेंस को रख दिया है तो इसके दोनों एंड्स पर भी नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में कम होता है तो ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई इंड्यूस्ड नतीजा क्या होता है कि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो लेकिन वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में कम हो जाता है सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स तो डाई में क्या होता है यह याद रखो बच्चों हमारे डाई को जब हमने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इसमें भी कंडक्टर्स की तरह दोनों एंड्स पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होते हैं यानी वो भी पोलराइज होता है और इस पोलराइजेशन की वजह से नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल नहीं होते हैं कंडक्टिंग मटेरियल में इक्वल होते हैं लेकिन डाईलैक्ट्रिक में वो इक्वल नहीं होते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के कंपेरिजन में अप्लाइड फील्ड के कंपेरिजन में कम होता है इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरिजन में डेफिनेटली कम होता है दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डाई एंड कंडक्टिंग मटेरियल्स। अब डाई में ऐसा क्यों होता है वही तो हमको समझ रहे वाई इन डाई इलेक्ट्रिक्स द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन द आई मीन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाई वही हमको समझ रहे हैं चलो लेटस अंडरस्टैंड दैट स्टूडेंट्स लेटर सी वॉट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ मटेरियल मतलब मुझे यह समझाना है आपको कि हमने अभी जैसे देखा था डाईलैक्ट्रिक्स में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरिजन में इंड्यूज फील्ड कम क्यों होता है तो उसका एक्सप्लेनेशन जो है उसके डाई इलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स का जो टाइप है उस पर डिपेंड करता है हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि डाई इलेक्ट्रिक्स में दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स And polar molecules. Let us understand what is the major difference between the two types of molecules. In non polar molecules, students, in non polar molecules, negative centers of negative and positive charges coincide.

सॉरी वी डिनोट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन दिस पैटर्न हम ऐसे डिनोट करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है समझने के लिए एक मॉलिक्यूल काफी है सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं जबकि पोलर मॉलिक्यूल्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं ऐसे ओवल शेप से डिनोट करते हैं ये खाली नोटेशन है अब पोलर मॉलिक्यूल्स में होता क्या है ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है इसमें सेंटर्स कोई सही होने की वजह से डायपोल मोमेंट ऑफ द मोलिक्यूल्स जीरो। डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज जीरो क्यों ऐसा होता है तो इट्स वेरी सिंपल व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर डायपोल मोमेंट अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है और इनके बीच में डिस्टेंस है टू ए तो डायपोल मोवमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा q मल्टीप्लाइड बाई टू ए लेकिन हमने क्या डिस्कस किया सेंटर्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस को इन साइड कोइन साइड करेंगे यानी दोनों सेंटर्स एक के ऊपर एक आ जाएंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा q मल्टीप्लाइड बाई टू है तो वो भी जीरो हो जाएगा जबकि अच्छा मैं यहां पर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं याद रखो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स सो हियर द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मोमेंट मोलिक्यूल्स इज नॉट जीरो क्योंकि दोनों का सेंटर्स सेपरेटेड है तो यहां पर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है अच्छा हर मोलिक्यूल का डायपोल मोमेंट अगर जीरो होता है और मेरे पास किसी सिस्टम में बहुत सारे डायपोल मोमेंट्स है तो क्या होगा नेट मैं ऐसे लिख दूं पी नेट पी नेट व्हाट इज पी डाइपोल मोमेंट तो नेट डाइपोल मोमेंट भी जीरो हो गया क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट जीरो 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 सब ऐड कर दो तो जीरो हो जाएगा इसमें क्या होगा क्या नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या नहीं होगा हर मॉलिक्यूल का एक अपना डाइपोल मोमेंट होता है तो किसी सिस्टम में मैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लूं तो क्या नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा देखो एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है लेकिन फिर भी नेट डाइपोल मोमेंट तो जीरो ही होता है दोनों केस में पी नेट इज जीरो क्यों ऐसा वाई तो इसका रीजन यह है कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट्स जो है वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं अब होता क्या है एक ये डायरेक्शन में होता है मान लो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो उसका डायरेक्शन ऐसे हो गया ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो डायरेक्शन ऐसा हो गया ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो डायरेक्शन ऐसा हो गया ऐसा हो गया तो सारे रैंडमली अरेंज होते हैं ऐसा क्यों बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन दिस आर रैंडमली अरेंज्ड ड्यू टू थर्मल एजिटेशन वट यू मीन बाय थर्मल एजुटेशन यू नो दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल सबस्टेंसेस आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन और इसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसी थर्मल एजिटेशन की वजह से सारे डाइपोल मोमेंट्स रैंडमली अरेंज होते हैं अब सारे डाइपोल मोवमेंट्स रैंडमली अरेंज होने की वजह से उनके वैक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं किसी का वेक्टर ऐसा है तो किसी का वेक्टर ऐसा है कोई वेक्टर ऊपर जाता है तो कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे जाता है सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इसीलिए नेट डाइपोल मोमेंट इसमें भी जीरो हो जाता है दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन मोल पोलार मोलिक्यूल्स हाँ इसमें डाइपोल मोमेंट्स परमानेंट होता है इसमें टेम्पररी होता है वो हम देख चुके हैं क्यों तो उसका रीजन भी हमने अभी देखा लेकिन टेम्पररी और वो परमानेंट ऐसा क्यों चलो उसको भी समझते हैं देखो बच्चों अगर मैंने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जैसे ही मैं कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं क्या होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्जेस ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड नेगेटिव चार्जेस ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सो वॉट विल द पॉजिटिव चार्जेस मूव मूव द राइट And the molecule starts getting stretched. The molecules start getting stretched. So, the positive and the negative charges are now separated. In non polar molecules, the centers of positive and negative charges coincide. But when we apply an external electric field, when I apply an external electric field, what happens? The molecules get stretched, positive charges will move in the direction of the field. गेटिव चार्जेस विल मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फिल्ड दिस इज द एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्ज इज नाउ द मोलिक्यूल विल गेट रीअरेंजड इन दिस पैटर्न नाउ वॉट हैपन्स इन वन पर्टिक्यूलर मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं एक मॉलिक्यूल ऐसे सेपरेटली ड्रॉ कर दू ये नेगेटिव है यह पॉजिटिव चार्ज है तो इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में क्रिएट हो जाता है ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है ठीक है तो देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है इसमें भी और इसमें भी ऐसा होगा इसमें क्या होगा वो बाद में दिखते हैं यहां पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में ये हमेशा हम ऐसा मानकर ही चलते हैं ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है जैसे ही मैंने फील्ड अपलाया अप्लाई किया सारे पॉजिटिव चार्जेस फील्ड के डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए नतीजा क्या हो गया इसमें इनिशियली डाइपोल मोमेंट जीरो था लेकिन फील्ड अप्लाई करने की वजह से डायपोल मोमेंट्स प्रोड्यूस हो गए अब डायपोल मोमेंट्स प्रोड्यूस हो गए तो क्या हो गया पहली बात तो ये समझो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन फील्ड का डायरेक्शन है लेकिन एक और बात होगी बच्चों मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो डेवलप हो गया समझ में आ रहा है मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव के अंदर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया जो पॉजिटिव टू नेगेटिव तो देखो अब क्या हो रहा है यहां पर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जो इस डायरेक्शन में है और मॉलिक्यूल के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है दूसरी बात देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नलीफाई हो जाएंगे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नलीफाई हो जाएंगे नतीजा इस एंड पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच गए इस एंड पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच गए और यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव की वजह से ये डायरेक्शन में जो इंटरनल फील्ड क्रिएट होता है वो ऑब्वियसली एक्सटर्नल फील्ड के कंपेरिजन में लेस होता है तो ये हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब क्या होता है वो हमने देखा अब पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है देखो अभी हमने देखा कि थर्मल एजिटेशन की वजह से पोलर मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है लेकिन जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं आई हैव अप्लाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट वॉट विल हैपन द डाइपोल मोमेंट विल अरेंज ये डाइपोल मोमेंट ऐसा था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में याद करो अगर मैं किसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उस पर टॉर्क लगता है और टॉर्क की वजह से वो डाइपोल मोमेंट घूम जाएगा और कैसे घूम जाएगा तो नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव फील्ड के डायरेक्शन में तो हमारा ये जो डाइपोल मोमेंट था वो रोटेट होकर अपने आप को ऐसे रीअरेंज कर देगा ये वाला जो डायपोल मोमेंट है वो भी रोटेट हो जाएगा और अपने आप को रिअरेंज करेगा ये देखो ये वाला डायपोल मोमेंट ऐसे रोटेट करेगा और ये डाइपोल कैसे रोटेट करेगा इस तरह से रोटेट करेगा तो वो भी रीअरेंज हो गया ये डायपोल भी रीअरेंज हो जाएगा ये वाला डायपोल नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाएगा पॉजिटिव इस तरफ जाएगा तो वो भी रीअरेंज हो गया अब सारे डायपोल्स जो है वो फिल के साथ अलाइन हो गए उसके लाइन में आ गए इसमें भी नेट चार्ज जीरो होता है याद रखने का नेट चार्ज तो हमेशा जीरो होता है यहां भी नेट चार्ज जीरो यहां भी नेट चार्ज जीरो नेट चार्ज क्यों जीरो क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है लेकिन एक टोटल डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो गया यहां पर एक मॉलिक्यूल का एक अपना डाइपोल मोमेंट है इसका 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 डाइपोल मोमेंट पी वन पी टू पी थ्री पी फोर तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर वैसे ही यहां पर इनिशियली नेट जीरो था लेकिन जैसे ही मैंने फील्ड अप्लाई कर दिया एक नेट डाइपोल मोमेंट अप्लाई हो गया अब क्या यहां पर थर्मल एजिटेशन रुक गया नहीं रुका थर्मल एजिटेशन तो चल ही रहा है इसलिए फील्ड अप्लाई करने से ये डाइपोल्स जो है मॉलिक्यूल्स जो है उन्होंने फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन तो कर दिया लेकिन जो थर्मल एजिटेशन है उसकी वजह से वो वापस डिस्टर्ब होने की कोशिश करते हैं नतीजा ये होता है कि जो ज़्यादा होगा वो जीतेगा अगर थर्मल एजिटेशन ज़्यादा होगा तो ये फिर से रैंडम हो जाएंगे और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो ये अलाइन रहेंगे तो इसका अलाइनमेंट कितना है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है नतीजा क्या होता है कि इसका जो इंटरनल फील्ड क्रिएट होता है अब फिर से देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बाजू बाजू में जो है वो तो एक दूसरे को नॉलीफाई कर देंगे लेकिन ये जो डाइपोल ये जो हमारा सब्सटेंस है मटेरियल उसके लेफ्ट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज हो गया राइट right सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया यानी एक ओवरऑल लेफ्ट साइड पे सारा नेगेटिव चार्ज आ गया ये और ये इसको भूल जाओ क्योंकि ये तो न्यूट्रल हो गया ये भी न्यूट्रल हो गया चलो थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को ई इंड्यूस्ड बोलते हैं तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में कम होता है क्योंकि थर्मल एजिटेशन जो है वो मॉलिक्यूल्स के अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है जबकि यहां पर क्या होता है एक इंटरनल फील्ड जो होती है वो इस फील्ड को अपोज करने की कोशिश करती है इसलिए हमेशा डायलेक्ट्रिक्स के अंदर डायलेक्ट्रिक्स के अंदर हमेशा इंटरनल फील्ड जो होती है इंड्यूस्ड फील्ड वो एक्सटर्नल फील्ड के कंपैरिजन में कम ही होता है तो फटाफट में बोर्ड करो, उससे पहले आप ये डायग्राम को भी कॉपी कर सकते हो और मैंने अब तक क्या पढ़ाया है इस टॉपिक में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले तो हमने समझा है कि डाइलेक्ट्रिक्स के दो टाइप्स होते हैं पोलार एंड नॉन पोलार नॉन पोलार में डाइपोल मोमेंट्स टेम्पररी होते हैं क्यों टेम्पररी होते हैं क्योंकि उनके सेंटर्स जो है एक दूसरे को कोइनसाइड करते हैं लेकिन जैसे ही मैं फील्ड अप्लाई करता हूँ वो सेंटर्स के, स्ट्रेच के स्ट्रेस होने की वजह से सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने की वजह से मोमेंट्स प्रोड्यूस होता है तो ये डाइपोल कब तक रहेगा जब तक फील्ड है फील्ड निकाल दिया तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा जैसे ही फील्ड अप्लाई किया डाइपोल मोमेंट आ जाएगा तो यहां पर डाइपोल मोमेंट टेम्पररी होता है जबकि यहां पर डाइपोल मोमेंट परमानेंट होता है यहां पर दोनों केस में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है इधर नेट डाइपोल मोमेंट क्यों जीरो होता है फील्ड अप्लाई करने से पहले क्यों जीरो होता है क्योंकि सेंटर्स को इनसाइड करते हैं यहां पर डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों होता है क्योंकि थर्मल एजिटेशन की वजह से सारे रैंडमली अरेंज होते हैं इसलिए यहां पर डाइपोल मोमेंट जीरो होता है लेकिन दोनों केस में एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं रहता है एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अप्लाइड फील्ड के कंपेरिजन में कम होता है तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ डाइप डाईलैक्ट्रिक्स सम एग्जाम्पल्स नॉन पोलर डाईलैक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल्स है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पोलर डाईलैक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल्स है एच सी एल एच टू वाटर वाटर बड़ा इंटरेस्टिंग है समझने के लिए आपको पता है वाटर का मॉलिक्यूल कैसा होता है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसका सेंटर यहाँ होता है इसका सेंटर इधर होता है इसका सेंटर इधर है, है अब ये नेगेटिवली चार्ज होता है ये कंपेरिटिवली पॉजिटिवली चार्ज होता है अब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव का सेंटर यहाँ मिलेगा तो यहाँ पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया यहाँ ने, नेगेटिव चार्ज हो गया तो अब मुझे इस डायरेक्शन में एक डाइपोल मोमेंट मिल गया सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ऐसा एक डाइपोल मोमेंट मिल गया मुझे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह से हमेशा ही ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स होते हैं ये टेम्पररी डाइपोल मोमेंट्स होते हैं सो दैट वॉज ऑल अबाउट पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ कोर्स आई हैव नॉट फिनिश दिस टॉपिक आई वॉन्ट टू रब द बोर्ड एंड प्रोसीड फर्दर विद द कंसेप्ट अगेन आई हैड

Is in इन direction डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड द डाइपोल induced dipole मोमेंट इज डायरेक्टली proportional टू द फील्ड स्ट्रेंथ दिस इज वेरी obvious लॉजिकल मैं फिर से डेफिनेशन को रिपीट करता हूं और जब मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं तब आप ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखो तो वो आपका लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन हो जाएगा वॉट इज अ लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलैक्ट्रिक अ लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलैक्ट्रिक इज द वन

नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है डाई इलेक्ट्रिक के अंदर दो टाइप के डाई इलेक्ट्रिक्स पोलर एंड नॉन पोलार दोनों केस में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है लेकिन जैसे ही मैं कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं तो एक नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है अब उसके वजह से क्या होता है अगर मेरा डाइपोल मोमेंट नॉन पोलर था तो सेंटर्स को इंसाइड करते थे फिर मैंने जैसे ही कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो मेरा डायपोल मोमेंट जो था वो पोलराइज हो गया अब ये जो अप्लाइड फील्ड है उसका डायरेक्शन मैंने ऐसे बनाया है अब मेरे पास नेगेटिव चार्ज इधर है पॉजिटिव चार्ज इधर है ये अपना नेगेटिव चार्ज है ये अपना पॉजिटिव चार्ज है तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो देखो फर्स्ट कंडीशन तो मुझे बढ़ानी है तो या तो मैं Q को बढ़ा दू या तो 2a को बढ़ा दू अब देखो Q तो जो है मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो है वो फिक्स है उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो लेकिन मुझे एक बात बताओ जैसे जैसे मैं E नॉट की वैल्यू बढ़ाता जाता हूँ क्या होगा ये ए फोर्स बढ़ता जाएगा और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और दूर हो जाएंगे अब जब वो ज्यादा दूर हो जाएंगे देखो ये वाली सिचुएशन देखो अब मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाया यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाया तो चार्ज तो वही था लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों डिस्टेंस बढ़ गया क्यों बढ़ा क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया तो फील्ड स्ट्रेंथ की बढ़ाने की वजह से जो डाइपोल मोमेंट था उसकी वैल्यू भी बढ़ गई क्योंकि टू ए बड़ा हो गया टू ए इंक्रीज हो गया तो हमारे लीनियर डाईलैक्ट्रिक लीनियर आइसोट्रॉपिक डाईलैक्ट्रिक्स में यह कंडीशन होती है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो पहली बात तो फील्ड के डायरेक्शन में होता है और दूसरी बात उसकी जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो डायपोल मोमेंट बढ़ेगा फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो डायपोल कम हो जाएगा ये मैंने आपको समझाया नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में लेकिन अगर पोलर मॉलिक्यूल होता एक पोलर मॉलिक्यूल में निगेटिव यहां पर है पॉजिटिव यहां पर है दूसरे पोलर मॉलिक्यूल में निगेटिव यहां पर है पॉजिटिव यहां पर है अब होता क्या है इनके डायरेक्शन्स अलग अलग है एक डायरेक्शन ऐसा है एक डायरेक्शन ऐसा है मैं डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ तो ये दो ड्रॉ किए मैंने बहुत सारे होते हैं और सारे रैंडमली अरेंज होते हैं तो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं अभी हमने देखा था और सारे डाइपोल मोमेंट्स रैंडमली अरेंज क्यों होते हैं थर्मल एजिटेशन की वजह से अब हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करता है और टॉर्क डेवलप होता है और उस टॉर्क की वजह से ये सारे डाइपोल्स रीअरेंज हो जाते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से जब टॉर्क अप्लाई होता है उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स रीअरेंज हो जाते हैं यहाँ पर उनके ऊपर एक साथ दो फोर्सेस लग रहे हैं एक थर्मल एजिटेशन का फोर्स लग रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है सबसे पहली बात तो जब रीअरेंजमेंट हो जाता है अगर ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो उसके अंदर हमारा पोलर मॉलिक्यूल का जब रीअरेंजमेंट हो गया तो फिर से नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से होने की वजह से डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो फील्ड के डायरेक्शन में आ गया लेकिन थर्मल एजिटेशन के वजह से इसका डिस्टर्ब होने का चांसेस होता है तो इसका पोलर जो मोमेंट होता है मोमेंट का स्ट्रेंथ कितना है फिर से वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो थर्मल एजिटेशन को ओवरकम करके भी मोमेंट जो है डाइपोल मोमेंट उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी यानी नतीजा लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइपोल में लीनियर आइसोट्रॉपिक डाईलैक्ट्रिक में ये दो बातें जरूरी होती है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है इंडिय डाइपोल मोमेंट पहली बात तो वो फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए और दूसरी बात उसकी वैल्यू प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ होती है आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के वो प्रोपोर्शनल होती है सो ठीक है अब एक और कॉन्सेप्ट हमको स्टडी करना है पोलराइजेशन का लेट अस सी द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन पोलराइजेशन का डेफिनेशन आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाकर मैग्नेटिज्म में भी काम आने वाला है ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन वेरी सिंपल पोलराइजेशन इज द नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम रिमेंबर दिस पर यूनिट वॉल्यूम सो व्हाट इज पोलराइजेशन इट इज अ नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी इसका पी कैपिटल होता है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है डाइपोल मोमेंट का पी स्मॉल होता है पोलराइजेशन का पी कैपिटल होता है दोनों वेक्टर्स है अब एक बात याद रखने का ये जो पोलराइजेशन होता है वो लीनियर आइसोट्रोपिक डाईलैक्ट्रिक के लिए प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ होता है अब अगर ये प्रोपोर्शनल है तो मुझे इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है तो मुझे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाना पड़ेगा एंड दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज रिटर्न लाइक दिस दिस इज अ ग्रीक अल्फाबेट इट इज कॉल्ड काई काई And how do we write? It is like X, but this line is straight and this line is curved. And I have written here E because this chi is a proportionality constant and it is called electric susceptibility.

Let us proceed with our concept here. So, what is polarization? It is a net dipole moment per unit volume and it is directly proportional to the applied external electric field for a linear isotropic dielectric. We are only going to study this type of dielectrics, there are many other types, but that is not in our curriculum to study.

दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब है बड़ा सा एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके अंदर मैं एक छोटा सा स्लैब कंसिडर करता हूं छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूं आई डी नोट दिस हैज डेल्टा वी थोड़ा बड़ा लिख दो मैं सो यू कैन सी क्लियरली मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर यानी बड़े से डाइलेक्ट्रिक स्लैब में दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसके अंदर डेल्टा भी बहुत छोटा है लेकिन फिर भी डेल्टा भी इतना छोटा होने के बावजूद भी उसमें बहुत सारे डाइपोल मोमेंट्स होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे होते हैं इस डेल्टा वी का थोड़ा एनलार्ज स्ट्रक्चर साइड में ड्रॉ कर लूं ये मेरा डेल्टा वी है ठीक है इसको मैंने थोड़ा एनलार्ज करके साइड में ड्रॉ किया है अब इसके अंदर क्या है बच्चों बहुत सारे डायपोल मोमेंट्स है एक डाइपोल मोमेंट ऐसा है एक डाइपोल मोमेंट ऐसा है एक डाइपोल ऐसा है एक डाइपोल ऐसा है, है मैं अब इसका एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लूँ ये एक डाइपोल ये दूसरा डाइपोल ये तीसरा डाइपोल तीन लेयर्स बना देते हैं हम चलो अब देखो यहां पर सारा नेगेटिव चार्ज अगर मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है तो ठीक है वरना नहीं ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अच्छा बताओ कौन सा ज्यादा है नेगेटिव चार्ज ज्यादा है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो अब बोलोगे नहीं दोनों इक्वल है जितने नेगेटिव चार्जेस है उतना ही पॉजिटिव चार्जेस है तो नेट चार्ज क्या हो गया स्टूडेंट्स नेट चार्ज जीरो अब देखो ये एक मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल मोमेंट है इस मॉलिक्यूल का भी डाइपोल मोमेंट है इसका भी डाइपोल मोमेंट है तो क्या नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है क्या नहीं है अब देखो बाजू बाजू के जो दो मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल ये, ये दोनों मॉलिक्यूल्स को ले लो तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स दिस विल नलीफाई दिस विल नलीफाई तो इस रीजियन में क्या होगा नेट चार्ज जीरो हो गया ये रीजियन में भी नेट चार्ज जीरो हो गया लेकिन ये सरफेस पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया ये सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया अब ये सरफेस है पूरा सरफेस है और ये पूरे सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया अब याद करो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा सो आई कैन कॉल दिस एस पॉजिटिव सिग्मा आई कैन कॉल दिस एस नेगेटिव सिग्मा सो यू हैव टू सरफेसेस ऑफ चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा दिस चार्जेस आर नॉट फ्री चार्जेस रिमेंबर दैट दे आर बाउंड चार्जेस बिकॉज दिस इज अ डाई इलेक्ट्रिक इन अ डाई इलेक्ट्रिक मीनस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल फ्री चार्जेस नहीं होते डाई इलेक्ट्रिक में इसलिए यह फ्री चार्जेस नहीं है बाउंड चार्जेस है लेकिन क्यों डेवलप हुए एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यह आपको याद रखनी है और फाइनली इस जो स्लैब मैंने लिया है वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी हमारा ये बड़ा सा स्लैब है उसमें छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया है डेल्टा वी तो इसका पोलराइजेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा इसका पोलराइजेशन हो जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन अभी तक मैंने बोर्ड नहीं किया देखो नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम मीन्स वन तो यूनिट वॉल्यूम का पोलराइजेशन अगर पी है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं पी से डिनोट करते हैं ना लेट मी राइट डाउन हियर ऑन द साइड टू अवॉइड कंफ्यूजन तो यूनिट वॉल्यूम का पोलराइजेशन डाइपोल मोमेंट अगर P है तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा तो P डेल्टा V हो जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट तो इसका डाइपोल मोमेंट हो गया P डेल्टा V और अंदर चार्ज जीरो हो जाएगा सरफेस पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटेंस को समझने के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स ये टॉपिक का एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ कैपेसिटर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स गैजेट्स टू बी यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दे हैव लार्ज एप्लीकेशन सो वी विल गो हैड विद कैपैसिट एंड कैपैसिटर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर आई होप दिस लेक्चर इज वेरी क्लियर टू यू इसको रिवाइन करके बार बार जो भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया आप देख सकते हो रीडियो दिस कन्सेपेप्ट फ्रॉम योर टेक्स बुक वेरी क्लियरली ई शुड भी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ एनी प्रॉब्लम्स फील फ्री टू कॉल अप टिल देन टेक केयर